खंडवा जिले के पुनासा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर पंचायत बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए आदेश भी निकाल दिए गए थे, लेकिन नगर परिषद पुनासा का ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध शुरू हो गया है। पुनासा सहित दामखेड़ा कला और दौलतपुरा के ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर नगर पंचायत पुनासा का गठन किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके विरोध में आज ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवाने पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कांग्रेस के स्थानीय नेता पूर्व विधायक राजनारायण सिंह और उत्तम पाल सिंह और यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रियेश चौकड़े के साथ आज ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत ग्राम खेड़ा कला को पुनासा नगर परिषद में शामिल किए जाने का विरोध किया है। नगर पंचायत पुनासा के विरोध में पुनासा, दामखेड़ा, दौलतपुरा और आसपास के जो ग्रामीण हैं वो आए हैं, उनने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कलेक्टर महोदय को। चूंकि शहरी एरिया होने के बाद बिजली पानी तो तमाम टैक्स बढ़ जाएंगे। आज की परिस्थिति में ये जो गांव हैं, आदिवासी बहुल गांव हैं, ये पानी और बिजली के तो बिल नहीं भर पाते हैं। पुनासा अगर नगर पंचायत हो जाएगा तो उनकी स्थिति और देनी होगी, और वहाँ जितने भी कानून कायदे शहर के लगेंगे। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए ग्रामवासियों ने कलेक्टर महोदय को अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि यह आदिवासी बाहुल्य पंचायत है, आदिवासियों की संख्या अधिक है, हमारी पंचायत में समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे हम संतुष्ट हैं, और आदिवासी गरीब तबके के लोग टैक्स भरने में सक्षम नहीं है। नगर पंचायत बनाने के लिए जितनी आबादी होनी चाहिए उतनी नहीं है, जिसकी वजह से आसपास के गांव को इसमें जबरदस्ती शामिल किया जा रहा है। नगर पंचायत में हमें कई विभागों से एनओसी लेनी पड़ेगी, जिसमें हम सक्षम नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत से सरपंच एवं पंचों के लिए आरक्षण हो चुका है। जी, पुनासा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया जा रहा है, चूँकि हमारी इसमें मेन समस्या यही है कि नगर पंचायत के लिए जो आबादी होनी चाहिए वो आबादी नहीं है, तो जबरदस्ती जो ना आइट साइड के गांवों को मिला के ये नगर पंचायत बनाई जा रही है। जबकि हमारा कहना है कि आबादी नहीं है तो नगर पंचायत नहीं बनाया जाए। साथ साथ यहाँ पे जो ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी के करोड़ों रुपए काम होते हैं, मजदूरों को काम मिलता है, नगर पंचायत के गठन से ये रोजगार गारंटी समाप्त हो जाएगी और मजदूर जो है ना बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि नगर पंचायत जब तक नहीं बनाई जाए, जब तक कि उस ग्राम पंचायत पुनासा की वास्तविक संख्या न हो जाती। हमें आइट साइड के गांवों को मिला के जबरदस्ती आइट साइड के गांवों को भी थोपा जा रहा है और हमारे अधिकारों से हमको वंचित किया जा रहा है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसको बनने नहीं देंगे। विधायक नारायण पटेल ने कहा कि नगर पंचायत की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। नगर पंचायत के निर्माण की कार्यवाही में दावे और आपत्ति ली जा रही है। पुनासा नगर पंचायत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय स्वर्गीय नंदकुमार सिंह जी के आह्वान पर, मेरे आह्वान पर, ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने के लिए प्रक्रिया चालू है, और उसमें आप बता रहे हैं कि विरोध आ रहा है, उसमें नोटिफिकेशन होगा, आपत्ति दावे होंगे, वो एक चांस मिलेगा, ऐसा थोपा नहीं जाएगा, चांस मिलेगा, और चांस के बाद जिनको शामिल होना है नहीं होना है वो बता लेगा, उनको चांस मिलेगा और अपनी आपत्ति दावा पेश करें। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट।